नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। आज इनेलो व बसपा द्वारा संयुक्त रूप से हरियाणा बंद का कालावाली में भी पूरा असर देखने को मिला। कालावाली मंडी में पूर्ण रूप से बंद रहा। आज सुबह करीब 7 बजे इनेलो व बसपा कार्यकर्ताओं ने सिरसा से सांसद चरणजीत सिंह रोड़ी की अध्यक्षता में मंडी के फाटक पर इकट्ठा हुए और उनके बाद में पूरी मंडी का दौरा करते हुए लोगों से सहयोग की अपील की। सांसद चरणजीत सिंह रोड़ी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि महंगाई, पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही है। प्रदेश में बढ़ रहे अपराध और सबसे अहम मुद्दा SYL को लेकर के आज इनेलो व बसपा द्वारा संयुक्त रूप से हरियाणा बंद का आह्वान किया गया है। उन्होंने बताया कि उन्हें लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जब जब जरूरत पड़ी है तब तब इनेलो ने इस गूंगी बहरी भाजपा सरकार को जगाने का काम किया है और विपक्ष की भूमिका बखूबी निभाई है। इसके साथ साथ कालावाली के शहर अध्यक्ष प्रवीण रोड़ी, हर्ष जैन, राजीव प्रधान, सोनू पिपली आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। आप देख रहे हैं पल पल कालावाली से विमल गुप्ता की ये रिपोर्ट। जो हरियाणा सरकार द्वारा की गई गलत नीतियां और हरियाणा सरकार 5 साल विच रही और जो जो भी इन्होंने कोई गलत तरीके कदम चुके तो इंडियन नैशनल लोकदल विपक्ष के बैठी और विपक्ष का फर्ज बनता है कि विपक्ष उन्होंने आवाज़ को दबाने वास्ते और उन्होंने संचेत देने वास्ते कि तुम हरियाणे के यहोजे घटिया काम है जो घिनौने काम है जिस तरह कि SYL का मुद्दा है बड़ा गरमाया होया गा। काफ़ी लंबे समय तो विपक्ष के नेता अभय सिंह चौटाला जी ने सदन के भी रखी गल और बार बार जेल कट्टन के सिवाए वक् वक् तरीके छताने का काम किया लेकिन कन्न की जू नहीं सरकी तो जितों तक फैसला लेना पाया भी अब महंगाई है चरम सीमा पर है और पेट्रोल के रेट बहुत उच्चे बढ़े हुए हैं। अज किसान मजदूर व्यापारी की हालत बहुत माड़ी है। इस तरह की देखिए किसान और व्यापारी लड़ाने का काम जी सरकार कर रही है लेकिन असं वो विरोध में हाँ कि वह यह सू किसान और व्यापारियों अड कर रही है क्योंकि यह ऑनलाइन कर रही है जिस किसान तो व्यापारी टुटूगा तो बड़ा नुकसान होगा चाहे व्यापारी का भी नुकसान होगा तो किसान का भी पार होगा। जिस तरीका GST आई है GST के बहुत बड़ा बड़ा नुकसान है जिहड़े साडे किसान ते भी पिया है उपभोक्ता भी पिया है और दुकानदार ते दा बहुत एक लैन लगी हुई है। तो मैं समझांगा इस नू सारे नू महंगाई और GST और जो SYL दे मुद्दे ते और जो व्यापारियों की गल असी 8 तरीक की कॉल रखी है पिछे कॉल रखी थी लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी चले गए लेकिन उन्होंने दुख के वास्ते असी उन्होंने बंद किया उदू बाद 8 तरीक का फैसला लिता सी। इसे 8 तरीक अज असी मंडी पिंडी जाके पहला भी जाके बेनती करिए अपने भी बेनती करते हैं तो मैं समझागा साढ़े जो दुकानदार भरा ने साड़ी उस बेनती जरूर मनिया उन्होंने अज सू हंगारा दिता अज असी फिर रहे हैं मंडी के सू पूरी खुशी हो रही है कि साढ़े भरावान ने साडे दुकानदार भरावान ने सू पूरा सहयोग मिल रहा है। चौटाला जी ने जदों तो मुख्यमंत्री बने ने उदों तो चौधरी देवी लाल जी ने इस वास्ते बहुत बड़ा मुद्दा उठाया कि पंजाब गौरमेंट को पैसे दिते हुए थे केस के SYL के जदों जदों भी असं हूँ केस जितते हैं जो 2016 केस जितते हैं पहला केस पाया हुआ 2016 केस जितते तो उस 2016 तो लेके अभय सिंह चौटाला जी ने वह कि कदम है जोड़ा नहीं चुकया SYL पानी वास्ते हरियाणे के पानी की गल है ना कि किसी राजनीति की गल है। जो पानी मिलेगा तो हर एक पार्टी मिलेगा कि इंडियन नैशनल लोकदल पार्टी कल पानी नहीं मिलेगा। ये सरकार है पंजाब साडा वड्डा भरा है लेकिन साडा हक सानू दे अपने MP साहब विधानसभा सदर चली जाता है BJP भी करे और कांग्रेस भी करे कि आने वाले टाइम भी अपने जी सरकार नहीं सुनती SYL का पानी नहीं आता इनेलो सड़कों के थ्रू भी तो देखो एक बार तो 25 तरीक तक परमादरी चौधरी देवी लाल जी की जयंती जो गोहाना च मनाई जा रही है एक बार तो 25 तरीक तक असं रैली के चक्कर लगांगे और उस तो बाद जो फैसला रैली के उत्ते परम आदमी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी आ सकते हैं सानू यह पूरी उम्मीद है कि चौटाला साहब इस रैली चाहे और जो रैली चाहे सू अगे का संदेश है जो देने तो असं मतलब इंडियन नैशनल लोकदल पार्टी का शुभकामना जी नैलो सुप्रीमो बहुत जी बहुत।